राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर, तारा फैमिली व्लॉग पर। तो अभी मैं जा रही हूँ कुलदेवी माँ के दर्शन करने, क्योंकि आज है पूर्णिमा। मैं हर पूर्णिमा को हमारे कुलदेवी माँ के दर्शन करने जाती हूँ। तो अभी धारा के पापा गए हैं धारा को स्कूल छोड़ने, और अभी सुबह के बजे है 8, और घर के सारे ही काम हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पूरा ही घर क्लीन हो गया है अच्छे से, क्योंकि अब मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ, तो जल्दी जल्दी से घर के सारे काम हो जाते हैं। तो अभी घर के सारे ही काम हो गए हैं, और मुझे आज सब्जियाँ भी लानी है मार्केट से। तो जब मैं दर्शन करके वहाँ से निकलूँगी, फिर रास्ते में से आते आते मैं मार्केट से सब्जियाँ भी लाऊँगी। तो ये 2-3 काम करने हैं मुझे। तो चलिए ऐसे ही वीडियो में बने रहना, और अब तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो चलते हैं, और ऐसे ही वीडियो में बने रहे। तोरी, एक छोटा सा पपीता, अदरक, भिंडी,
और रास्ते में से मैंने कितने सारे गुड़हल के फूल भी तोड़े, देखो। अब इसे उबाल कर मैं इसका पानी बनाकर रख लूंगी, जब भी मेहंदी भिगाऊंगी तो इस गुड़हल के फूल का पानी ही यूज करूंगी, तो इससे बाल काले हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इतने सारे लिए वहां से। तो चलो अब सारी सब्जी में अच्छे से धोकर रख देती हूँ सुखाने के लिए। और आज कौन सी सब्जी बनानी है वो भी बता दें। एक नींबू आगे चला गया, ये क्या दोपहर का खाना बना रही थी, तभी मेरे भाई भाभी और दोनों ही भतीजे आए थे, कुछ काम था उसे तो घर पर आए थे। और गोवर्धन ने सारे ही बाल उतार दिए हैं, तो मैं उसे पूछ रही थी और आप लोगों को भी दिखा रही थी कि गोवर्धन टकला हो गया है, तो वो मुस्कुरा रहा था और शर्मा भी गया था। तो इसे कुछ काम था तो इसी वजह से वो लोग आए थे, तो थोड़ी देर बैठे, पानी वानी पिया और 10-15 मिनट ही रुके थे, फिर वो चले गए थे क्योंकि भव्य को भी जाना था स्कूल। भव्य की स्कूल दोपहर की है, 12:15 बजे जाता है भव्य स्कूल, और धारा की स्कूल है सुबह की 8 बजे की, तो इसी वजह से। और दोपहर का टाइम था, 11:15 बजे थे, तो फिर वो लोग रुके नहीं और निकल गए, तो यही बता रही थी मैं। और मुझे भी दोपहर का खाना बनाना था, अभी मैंने सब्जी ही छोकी है, मुझे अभी रोटी भी बनानी है, तो फिर ये लोग चले गए और मैं मेरे काम में लग गई। मैंने बनाई है घिया तोरी की सब्जी, रोटी, गाजर का सलाद और आज मैंने बनाई है खीर। तारा के पापा ने मुझे कुछ और बनाने के लिए कहा था पर मैंने वो नहीं बनाया, आज बना दी खीर क्योंकि इनकी फेवरेट है और कई दिनों से नहीं बनाई थी, तो खीर बनाई है। और इनका आज पूर्णिमा का उपवास भी है तो इसी वजह से मैंने खीर बनाई है। और यहाँ पर है ठंडी ठंडी छाछ और एक आम पकी थी तो मैंने आम भी काट ली है, जिसको खानी होगी वो खाएंगे, धारा तो खाएगी नहीं। तो चलो मैं पहले खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको, और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, ठीक है बनी। और धारा के पापा के प्लेट में है पापड़ी गाठिया। देखो खाना पीना हो गया है और बाप बेटी यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। मैंने इन दोनों को कहा था कि अंदर जाकर सो जाओ, मैं अभी वहाँ पर सारी चीजें संगवा रही थी, बर्तन निकाले और वहाँ पर झाड़ू पोछा किया, तो ये यहाँ पर खेल रहे हैं। तारा नींद नहीं आ रही, तारा सुबह 6:30 बजे उठ जाती है, फिर भी धारा को अभी नींद नहीं आ रही, और अभी टाइम हुआ है 2:30 बजे। चॉकलेट खानी है पर धारा ने आज खीर नहीं खाई, तो चलो अभी थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, धारा को सुला देती हूँ, वरना ये मस्ती करती रहेगी क्योंकि धारा के पापा तो उसे कुछ कहेंगे नहीं, और सुबह 6:30 बजे उठी है, तो थोड़ी देर सुला देती हूँ, फिर मुझे होमवर्क भी कराना है धारा को। चलो मिलती हूँ आपको, इनकी तो मस्ती चलती रहेगी। देखो तो देखो धारा यहाँ पर होमवर्क कर रही है, मेकअप से धारा को होमवर्क करा रही हूँ, और धारा ने ABCD की है और गिनती लिख रही है अभी धारा, तो अभी मैं जाऊँगी दिया बाती करने क्योंकि दिया बाती का टाइम हो गया है, और अभी टाइम
7:15 बजे है। तो चलो पहले दिया बाती कर लेती हूँ, तब तक धारा अपना होमवर्क फिनिश कर लेगी, फिर आप लोगों से आकर मिलती हूँ और बात करती हूँ। धारा बेटा सीधे बैठ कर लिखो। तो ये देखो यहाँ पर धारा ने 1 से 20 तक गिनती लिखी है, वो भी बिना देखे अपने आप, और ABCD ये है धारा का होमवर्क। धारा 50 तक गिनती लिख लेती है। देखो धारा को अभी बोलना नहीं आता है गिनती, 10 तक बोल लेती है धारा गिनती, पर दूसरी लाइन धारा को नहीं आती है। क्यों धारा? 1 से 10 तक धारा अच्छे से बोल लेती है, 11 की लाइन नहीं आती है धारा को दूसरी। तो चलो अभी मुझे दिया बाती करने है, फिर आकर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं और धारा दोनों ही आंगन में बैठे है, और देखो पीछे बादल कैसे हो रहे है, बहुत ही बादल हो रहे है, पर बारिश आने का नाम नहीं ले रही है, और गर्मी भी बहुत ही बढ़ती जा रही है। तो अभी मैंने दिया बाती किए है और धारा का होमवर्क हो गया है। तो धारा यहाँ पर खेल रही थी, तो मैं यहाँ पर ही धारा के पास बैठ गई, और मैंने सोचा चलो यहाँ पर ही वीडियो का एंड कर देती हूँ। और देखो अभी रात के 8 बजे है, फिर भी उजाला है, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, और कैसे काले बादल हो रहे हैं। अब तो जल्दी से बारिश हो जाए तो थोड़ी राहत मिले, क्योंकि आज हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है कल के मुकाबले। कल भी गर्मी हो रही थी, पर कल से ज़्यादा आज हो रही है, हर रोज गर्मी बढ़ती जा रही है। हम दर्शन करने गए थे माल बापा के मंदिर, तो रास्ते में बारिश हुई थी, वही बता रही है धारा। तो चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ, और ऐसी ही नई नई बातों के साथ। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Good day.